दोस्तों वेलकम बैक टू आवर फैमिली चैनल फिजिकल एजुकेशन नेट JRM। आज हम वस्तुनिष्ठ लक्ष्य शारीरिक शिक्षा के चैप्टर नंबर 7 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खेल किस प्रकार की क्रिया है? तो खेल किस प्रकार की क्रिया है? यह हमारी स्वाभाविक क्रिया है, आत्म प्रेरित क्रिया एवं आनंददायक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा रसेल द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खेल क्रिया में एक प्रकार का मनोरंजन है, यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? यह वैलेंटाइन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह परिभाषा स्टर्न ने दी है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, खेल के मनोरंजन सिद्धांत यानी रिक्रिएशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है पैट्रिक, यानी GTW पैट्रिक इसके प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी जो सरपल्स एनर्जी थ्योरी है उसके प्रतिपादक कौन है? तो इस थ्योरी के प्रतिपादक सीलर यानी वान सीलर है। वान सीलर के अलावा हर्बर्ट डिस्पेंसर भी इसमें सहायक एक रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, खेल बच्चे के किस क्षेत्र में विकास से संबंधित होते हैं? किस क्षेत्र में संबंधित होते हैं? शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो फ्रोबेल ने इसका आविष्कार किया था, ये सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति तो करता ही है, वह यथार्थता को भी जान जाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा थोर्नडाइक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, खेल मानसिक अक्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण पर्यावरण के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से समन्वय स्थापित करता है। तो यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह परिभाषा सलावसन नामक विद्वान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, खेल को एक ऐसा कार्य माना है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्रियाओं में तारतम्यता यानी तारतम्यता बनाए रखना है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह परिभाषा भी सलावसनन नामक विद्वान ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, खेल वह क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? यह परिभाषा हरलोक नामक विद्वान ने दी है। क्वेश्चन नंबर 13, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति एक समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो यह परिभाषा क्रो एंड क्रो नामक विद्वान द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु खेल खेलते हैं? तो यह पूर्व विनय सिद्धांत के द्वारा इसका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे मनोरंजन हेतु खेल खेलते हैं? तो वह कौन सा सिद्धांत है? वह मनोरंजन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं, तो वह कौन सा सिद्धांत है, वह हमारा क्षतिपूर्ति सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत यानी रेसिपिटुलेटरी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, तो उसके प्रतिपादक है हमारे स्टैनले हॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, खेल के पूर्वाभिनय सिद्धांत एंटीसिपेटरी थ्योरी के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो इस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, कार्ल ग्रूस इस थ्योरी के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, खेल के वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद्व को दूर करने के लिए तथा संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेल खेलते हैं, तो वह कौन सा सिद्धांत है, वह हमारा रेचन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, खेल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो कोलमैन ग्रिथ को इसका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मनोवैज्ञानिक एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन क्लार्क एंड क्लार्क का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो खेल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, पता भी है सभी को, खिलाड़ी के व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान सभी स्तरों पर खेलों तथा अनेक शारीरिक क्रियाओं के मनोविज्ञान सिद्धांतों का जोड़ है, तो ब्राउन तथा मोहने ने इसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति की खोज किसने की, तो यह हमारे प्रोबेल वैज्ञानिक द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत का वर्णन किसने दिया है, तो किसने दिया है, वानसीलर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक में व्यवहार की खोज करता है, यह किसने कहा है, तो यह जॉन लूथर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो यह कथन किसका, यह हमारा कथन डिक्रिट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विलियम जेम्स ने कौन सी मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी है, तो विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है 29, कानून के प्रभाव के रूप में जाना जाता है, तो संतुष्टि का नियम जो है कानून के प्रभाव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 30, सीखने का शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है, तो यह हमारा महान दार्शनिक प्लेटो द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 31, खेल मनोविज्ञान की प्राथमिक भूमिका नहीं है, तो शक्ति और कंडीशनिंग इसकी प्राथमिक भूमिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, 1890 में नॉर्मल ट्रिपल ने एथलेटिको के साथ पहली बार कुछ औपचारिक खेल मनोविज्ञान प्रयोगों की शुरुआत की, उन्होंने अपने प्रयोग में किस खेल का चयन किया, तो उन्होंने अपने प्रयोग में किस खेल का चयन किया था, साइकिलिंग का उन्होंने अपने प्रयोगों में चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, मानसिक विकास में शामिल है, तो मानसिक विकास में क्या क्या शामिल है, तर्क और सोच मानसिक विकास में शामिल है। आज का लास्ट क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस रिलेटेड रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी यानी ERG किसने दी, तो एल्डर्फ ने इसकी व्याख्या की है। तो आज के इस सेशन में यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और मैं सभी से अंत में निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।